रूस ने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले एक आतंकवादी को पकड़ा है। यह आतंकी हाई प्रोफाइल आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए रूस से भारत आने वाला था, लेकिन रूस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए हमले को पहले ही नाकाम कर दिया। खबरों के मुताबिक यह हमला देश के एक बड़े नेता के खिलाफ प्लान किया गया था। यह आतंकी इस्लामिक स्टेट आईएस से जुड़ा हुआ है, जो एक आत्मघाती हमले की प्लानिंग कर रहा था। रूसी रक्षा सिक्योरिटी एजेंसी एफएसबी ने सोमवार को आतंकवादी को पकड़ा। बता दें, रूसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए इस आतंकी की पहचान की है। उसके बाद एफएसबी ने उसे हिरासत में ले लिया। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने मध्य एशियाई देश के एक मूल निवासी के रूप में उसकी पहचान की है। बताया जा रहा है कि उसने भारत में सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता पर हमला करने की योजना बनाई थी। हालांकि आतंकी ने किस भारतीय नेता को उड़ाने की साजिश रची थी, इसको लेकर कोई खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। एजेंसी के मुताबिक आरोपी ने अप्रैल से जून तक तुर्की में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। उसे आईएस के एक नेता ने आत्मघाती हमलावर के तौर पर भर्ती किया था। वहां उसे सुइसाइड अटैक की ट्रेनिंग दी थी, आत्मघाती हमले की, और वो टेलीग्राम के जरिए आईएस से जुड़ा था। इसके बाद आतंकी ने आईएसआईएस यानी आईसिस के प्रति निष्ठा की शपथ भी ली थी। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आतंकी संगठन ने उसे जरूरी कागजातों के साथ रूस भेजा और उसके बाद यहां से भारत भेजने की व्यवस्था की थी, जहां उसे सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता के ऊपर हमला करने का काम दिया गया था। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश रची है। अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रची। आतंकी चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमला कर सकते हैं और बस स्टैंड को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस, जीआरपी, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर इनपुट पर काम करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बीते 3 दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। इस्लामिक स्टेट और इससे जुड़े सभी संगठनों को आतंकी संगठन के रूप में माना जाता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आईसिस अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया के जरिए भी वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं और इसी कारण सुरक्षा एजेंसियां साइबर स्पेस पर कड़ी नजर रखती हैं।